अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 60 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जिसका पार्ट वन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, और उसी कंटिन्यूटी में मज़ीद 30 एमसीक्यूज़ के आंसर्स आज आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपके पेपर्स अच्छे चल रहे होंगे और आने वाले केमिस्ट्री का पेपर भी जो कि अब करीबी है, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। और जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 30th एमसीक्यू जो है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, हाईएस्ट शैल नंबर कितना है? 5। तो पीरियड क्या होंगे? 5th। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं, तो ग्रुप 6A हो गया, और पीरियड क्या हो गया? 5th। और इन एमसीक्यूज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगी, वहां पर उसका गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो अपलोड है, वहां से आप उसको हासिल कर भी सकते हो। 31st एमसीक्यू है, दिस एलिमेंट हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द आंसर इज लिथियम। के चैप्टर नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा अल्कली मेटल्स में लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल में ये सबसे लोएस्ट है। ऑन हीटिंग दिस हाइड्राइड रिलीज हाइड्रोजन इन द एटॉमिक स्टेट, मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड्स को जब हीट करते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में रिलीज होती है। एज्यूराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, एज्यूराइट ब्लू जो है ये कॉपर की एक ओर होती है। कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन डाउन सेल टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। 801 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर NaCl, सो वी एड कैल्शियम क्लोराइड टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस अलॉय इज यूज इन मेकिंग एरोप्लेन्स, कौन सा अलॉय एरोप्लेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? ड्यूरालूमिन, विच इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, 95% एल्यूमिनियम होता है इसमें, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम एंड 0.5% आपके पास इसके अंदर निकल होता है। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इन्वॉल्विंग एल्यूमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट इज टर्म्ड एज थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस इज द प्रोसेस जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, और इससे जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटी छोटी चीजें जो कि डिस्कशन में सामने आती हैं कि इससे और किस तरह का एमसीक्यू बन सकता है, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 37, ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर एक अलग चीज होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें दो CO कार्बोनाइल है, एक कार्बोनाइल ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, तो दो कितने देंगे? दो। इथाइलिन डायामाइन EM, एक इथाइलिन डायामाइन दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है बिकॉज इट इज अ बाइडेंटिटी लिगेंड, तो दो कितने देंगे? 4। 4 + 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय सेंट्रल एटम, सॉरी, लिगेंड टू सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसको दिए जा रहे हैं। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 38 की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, 38th एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज, टेट्रा इथाइल लेड किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। अब यूज नहीं होता, पहले इस्तेमाल होता था एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए। करंटली इसके लिए रिफॉर्मिंग की टेक्निक इस्तेमाल होती है। टिन कैल इज अ मिनरल ऑफ, टिन कैल बोरेक्स को कहते हैं, ठीक है जी। टिन कैल किसको कहते हैं? बोरेक्स को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोरेक्स भी इसी को कहते हैं, सुहागा भी इसी को कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई एक्स क्यों नहीं हो रहा टाइप। बोरेक्स और सुहागा, ये इसी के दोनों नाम है, ठीक है जी। और ये एल्युमिनियम का जो है वो आपके पास एलॉय, ठीक है, एलॉय कह रहा हूँ, मिनरल है। बोरेक्स और सुहागा ये दोनों एल्युमिनियम के, सॉरी, बोरॉन के आपके पास मिनरल्स है, ठीक है। ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट इज एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनाने में ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये थोड़ी सी टाइपिंग में स्लो, छोटा सा लिखा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, और जब इसका एक्स से रिएक्शन किया गया, क्या है एक्स ये हमें नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया पैरा पोजिशन। तो किससे रिएक्शन कराया होगा? क्लोरीन इन सनलाइट? नो। क्लोरीन इन डार्क? नो। क्लोरीन विद B2O5? नो। क्लोरीन विद FeCl3? यस।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लुईस एसिड कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। उसके बाद दिस हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड इन वेल्डिंग, इथाइन और एसिटाइलीन इज यूज्ड इन वेल्डिंग। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ईथर, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। इसकी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है एल्डिहाइड का, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, द लिगेंड EDTA इज इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का ऑप्शन होता, हेक्साडेंटेट नहीं होता, उसको मार्क कर देते हैं। पॉलीडेंटेट भी कहते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होते। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर कंटेनिंग एक्सेस Fe2O3 एज इम्प्योरिटी, बायर्स मेथड। अगर सिलिका होता है तो सरफेक्स मेथड, Fe2O3 होता है तो फिर बायर्स मेथड, और अगर दोनों इम्प्योरिटीज एक्सेस में होती हैं तो फिर हम हॉल्स मेथड यूज करते हैं। बोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3। इसको ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन भी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। 46 के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स 47। ये कह रहा है एमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ, एमोनल किसका मिक्सचर होता है? एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर आर अल्कोहल, क्या मतलब? देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2OH। आप इसमें से H हटा के क्या लगा दें? R लगा दें। H की जगह पे क्या लगा दें? R लगा दें तो क्या बन जाएगा? ROH। तो ROH क्या होता है भाई? ROH अल्कोहल होता है। तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज अल्कोहल, राइट। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टाइक सेल ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द सॉल्वेंट। वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है और अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर से फॉरन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द ऑफेंसिव ओडोर ऑफ ऑयल एंड फैट इज ड्यू टू द रेंसिडिटी और रेंसिडिफिकेशन। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिटाइलीन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोड्यूस्ड, पहले विनाइल अल्कोहल बनता है, उसमें रीअरेंजमेंट होती है, तो फाइनल प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड, हमेशा एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल आंसर होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस बेरीबेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। द हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर विद केमिकल एजेंट इज कोरोजन। मेटल का खराब होना, डिस्ट्रॉय होना ड्यू टू द एयर और इट्स केमिकल एजेंट इज कॉल्ड कोरोजन। द मेटल आयन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें से किस में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, उसमें दो मिस्टेक्स हैं, मुझसे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ये Mn-2 नहीं है, Mn+2 है, और ये CO+2 है, यानी कि कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल नहीं है ना। अच्छा, इनमें सबसे कम एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो मैगनीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। ये मैं सबके एटॉमिक नंबर्स लिख रहा हूँ ना, आपके पास ये याद होने चाहिए हमें। निकल का होता है 28, राइट। तो इन सब के पास अगर हम देखें मैगनीज को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी मैग्नीज की 4s2 3d5। अब अगर मैग्नीज प्लस टू पे चला जाएगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? हमेशा 4s में से जाएंगे, तो d5। d5 का मतलब है कि पांच के पांच इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर, और पांच से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो जवाब क्या है? मैग्नीज, Mn+2। ठीक है, Fe+2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोबाल्ट के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको देखें याद रखना है, डी ऑर्बिटल के अंदर अगर कभी भी किसी भी एलिमेंट में 1 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, सारे के सारे अनपेयर होंगे। 1, 2, 3, 4, सब के सब अनपेयर है। 6 होंगे तो एक पेयर हो जाएगा, और 4 अनपेयर होंगे, 7 होंगे तो 2 पेयर हो जाएंगे, 3 अनपेयर होंगे, तो आखिरी वाले तीनों में यही वाला किस्सा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट 6 MCQs। आई होप कि दीज MCQs विल हेल्प यू अ लॉट। इसी टाइप के MCQs पेपर में आएंगे।
आइसोमर ऑफ डामिथाइल ईथर, ईथर का आइसोमर होता है अल्कोहल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ईथर का आइसोमर हमेशा कौन होगा? अल्कोहल। डायमिथाइल ईथर में दो कार्बन है तो इथेनॉल में भी दो कार्बन है, यही जवाब है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप चाहें तो लिख के देख सकते हैं। देन मेटालिक सोडियम इन ईथर इज हीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड, अ हायर अल्केन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन। सोडियम अल्काइल हैलाइड ईथर कभी भी मिलेंगे, ये वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अ बिट ऑफ अल्कोहल इज सोल्ड अंडर द नेम ऑफ फॉर्मेलिन। 40% सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेलिन कहलाता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2। द केमिकल नेम फॉर मिल्क शुगर इज लैक्टोज, को कहते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। इट इज द पैरामैग्नेटिक एटम और आयन, ये पैरामैग्नेटिक एटम या आयन है। इसमें भी देखें पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेयर्ड हो। अब आयरन को अगर हम देखें तो ये है, मैं लास्ट के दो ऑर्बिटल लिखूंगा, इसके एटॉमिक नंबर 26 है, इट इज 4s2 एंड 3d6, ठीक है। अब आयरन जो होता है वो 4s2 3d6 होता है। अब अगर हम आयरन के पास इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो आयरन के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मतलब सारे अनपेयर नहीं। अभी ऊपर बताया था अगर 1 से 5 होंगे तो सारे क्या होंगे, अनपेयर होंगे, ठीक है। ये मैंने एफ ई की बात पहले इसलिए की कि अब उसके आयंस को समझाना आसान होगा। अब अगर हम देखें एफ ई प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, कहाँ से जाएंगे, 4s में से जाएंगे, तो वो हो गया 4s0 और 3d6। इसमें भी सारे के सारे अनपेयर नहीं होंगे क्योंकि डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इसको मैं लास्ट में ले जाऊंगा कोबाल्ट को, मैं पहले जो हमारे मेन आयंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एफ ई प्लस टू आ गया, आयरन वालों को पहले देख ले। फिर आ गया जी एफ ई प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब पहले देखें आयरन क्या है, 4s2 3d6, तो 2 तो s के चले गए तो 4s0 हो गया, और डी में से भी एक जाएगा क्योंकि टोटल 5 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या बचा, 3d5। अब d5 है मतलब सारे अनपेयर्ड है, तो अमंग देम द पैरामैग्नेटिक आयन इज Fe+3। कोबाल्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले आयरन की लिखी है, तो इसीलिए मैंने पहले आयरन को सॉल्व कर लिया। पैरामैग्नेटिक एटम या आयंस वो होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल में सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज इट ऑल अबाउट द एमसीक्यूज, रिमेनिंग एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे। टारगेट पेपर पहले से भी गिवन है, बाकी मैं उस पर थोड़ा सा वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपके लिए बहुत फायदा हो जाए। उम्मीद है कि आपको बेनिफिट होंगे, आपका पेपर अच्छा हो, हमारी दुआ भी यही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।